सेवा समर्पण संस्थान के तत्वाधान में आर्यनगर स्थित सरस्वती विद्या मंदिर महिला महाविद्यालय के सभागार में अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम एक विकास यात्रा पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे महापौर सीताराम जायसवाल ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया तथा डॉक्टर सत्यनारायण अग्रवाल द्वारा लिखित पुस्तक वनवासी कल्याण आश्रम की यात्रा के पथिक का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर आरएसएस के प्रांत प्रचारक सुभाष प्रोफेसर श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी, हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश महामंत्री इंजीनियर पीके मल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। आयुर्वेद विद्यालय का जो डिटेक्शन हॉल था उसमें उन्होंने रहने की बच्चों की अनुमति दी थी। डिटेक्शन हॉल बड़ा था, उसके बाद बॉम्बे की कैंपस थी, वहाँ टोटल लगभग 12 बच्चे इकट्ठे हो गए थे। फिर सने सने ये विचार आया कि अपनी एक छात्रावास भूमि होनी चाहिए। विजय जी ने, डॉक्टर साहब ने प्रयत्न करके अपने ही नगर के एक प्रमुख व्यवसायी से संपर्क करके उन्होंने जो वर्तमान में श्री राम वनवासी छात्रावास है उसकी भूमि प्राप्त की और 84 में उस समय हमारे मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक पूजनीय सरसंघचालक श्री बालाचार्य देवरस जी और महंत अवैधनाथ जी के करकमलों द्वारा इस छात्रावास का शिलान्यास हुआ था। सर्वप्रथम छात्रावास ने जो ग्राउंड फ्लोर पर नीचे भूमि तल पर दो हॉल है और भोजनालय है, भोजनालय के बगल में जो सीढ़ी है उसके बगल का जो हॉल है सर्वप्रथम वही हॉल बना था और दो वर्षों तक उसके बाद उस हॉल के आगे कोई निर्माण नहीं हो पाया था। एक विचार ये आया था, इस पूरे छात्रावास का जो ब्लूप्रिंट बना है, पूरे परिसर पूरे भूमि का जो ब्लूप्रिंट बना था, जो भी निर्माण होगा हम जन सहयोग से करेंगे। तमाम प्रस्ताव आए थे जिनमें से एक प्रस्ताव ये था, कई लोगों ने ये प्रस्ताव दिया था कि मैं पूरा निर्माण करवा दूंगा, एक पत्थर मेरे नाम का लग जाए। लेकिन उस समय के हमारे कर्ताधर्ताओं ने ये निर्णय लिया था कि यहाँ पर पूरे छात्रावास में कोई पत्थर नहीं लगेगा, धीरे धीरे बनेगा, समय के साथ बनेगा, लेकिन जन सहयोग से बनेगा।
एक बार कर तो दूरी से अंदर आ जाइए सर, थोड़ा पास कर अंदर कर। हमारे बदमाशी कल्याण आश्रम जगदेव राव जी उराव बहुत ही सरल व्यक्तित्व था उनका, बहुत ही ये कार्यक्रम जो हो रहा है ये बनवासी कल्याण आश्रम की गोरखपुर इकाई की यात्रा का कार्यक्रम। आज का कार्यक्रम कार्यकर्ता सम्मान का कार्यक्रम, कार्यकर्ता सम्मान इसको ना कहा जाए तो अच्छा है। ऐसे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के हम सबको आशीर्वाद देने का कार्य। गोरखपुर की भूमि बाबा गोरखनाथ की तपोभूमि है। गोरखपुर के पास में कबीरदास जी ने भी साधना किया था। गोरक्ष प्रांत में महावीर स्वामी का भी स्थान है और गोरक्ष प्रांत में भगवान बुद्ध का भी पवित्र स्थान है। कल्याण आश्रम की विकास यात्रा, छात्रावास की विकास यात्रा बताने के लिए अलवी सुमियत यहाँ पर यहाँ के वरिष्ठ कार्यकर्ता। कार्यकर्ता के बारे में चार शब्द मुझे बोलना है। भगवान बुद्ध उन्होंने साधना प्राप्त किया, सिद्धि प्राप्त किया, शक्ति प्राप्त की, दुनिया में घूम घूम करके लोगों को जो उनको बोध मिला था, ज्ञान मिला था, उसका संदेश भी उन्होंने दिया। संसार परिवर्तनशील है, व्यक्ति को एक दिन जाना ही होगा, मृत्यु लोक से व्यक्ति जाएगा। भगवान बुद्ध के भी जाने का समय आ गया। भगवान बुद्ध बैठे थे, अपने शिष्यों को उन्होंने बताया लगता है मेरे जाने का समय आ गया। उनके जो शिष्य थे परम शिष्य थे आनंद आदि, वो सब बैठे थे, रोने लगे। भगवान बुद्ध ने चुप कर क्यों रो रहे हैं? इसलिए रो रहे हैं कि आप चले जाएंगे तो हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा, हम किसके प्रकाश में आगे बढ़े, कौन हमको रास्ता दिखाएगा। तो देखिए भगवान बुद्ध क्या कहते हैं अपने कार्यकर्ता को सतत काम करने की प्रेरणा कैसे देते। भगवान बुद्ध कहते हैं आपका मार्गदर्शन कौन करेगा, आप किसके प्रकाश में आगे बढ़ेंगे, आप सूर्य के प्रकाश में आगे। उनके शिष्यों ने कहा कि सूर्य तो दिन में होगा, रात में किसके प्रकाश में आगे बढ़ेंगे। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि चंद्रमा के प्रकाश में आगे बढ़ेंगे। चंद्रमा जो 15 दिन होता है, अंधेरी रात में कैसे आगे बढ़ेंगे, तारों के प्रकाश में आगे। आसमान में बादल आ जाएगा, तारे भी ढक जाएंगे, तो किसके प्रकाश में आगे बढ़ेंगे। तो एक दीपक हाथ में जला लेना, दीपक के प्रकाश में आगे बढ़े। सामने से तेज हवा आएगी, आंधी आएगी, दीपक बुझ जाएगा, तब किसके प्रकाश में आगे बढ़ेंगे। तो भगवान बुद्ध ने कहा स्वयं अपने आप को दीपक बना लेना। उनका बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है अप दीपो भव, स्वयं को दीपक बनाना। आपने देखा होगा कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई। दीप का भाव क्या है, दीप हम जलाते तो हमारे दीपक बुझाने की परंपरा नहीं है, पता नहीं कहां से हमारे घरों में घुस गए। दीपक जलाकर आयु की यश की कामना हम करते हैं, दीर्घायु की कामना करते हैं, यश प्राप्ति की कामना करते हैं,
उसके जीवन में सेवा करने के लिए अधिक अधिक उसको प्राप्त हो, उस दीपक के पीछे का उद्देश्य यही है। दीपक का भी एक भाव है बंधु। दीपक का भाव क्या है, दीपक कहता क्या है, दीपक इच्छा क्या है। दीपक कहता है दीप हूं जलता रहूंगा। गायत्री परिवार का बड़ा सुंदर ये वाक्य कविता है, आप जरूर पढ़ो। दीपक कहता है कि दीप हूं जलता रहूंगा, ध्येय पथ पर बढ़ता